Yes, hello student, how are you? I'm fine, hello my fine. Friend, what about you? Today in this class we were going to discuss about the exercise of POMPI for the chapter number 3, our nervous system. बेटा आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा? Yes, yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. चलिए बेटा, तो फिर हम आज क्या करेंगे? आज हम बुक बी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो उसमें बेटा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेंड किया था पहले ही. यस अंडा, पानी पिया? यस बेटा. आवाज किसके यहाँ से आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे? यस मैम. यस मैम. फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने कर लिया था ना? यस मैम. चलिए फिर आज हम इसका सेकंड चैप्टर, सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? व्हाइल ड्राइविंग अ बाइसिकल और अ मोटर बाइक वन मस्ट वेयर अ हेलमेट, व्हाई? तो बेटा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होना चाहिए. यस मैम. चलिए बेटा पहले कौन बताएगा? शो मी योर हैंड. यस अमन, आप बताइए बेटा. I am while driving a bicycle or motorcycle on him to wear a helmet because ma'am helmet protect our external parts ma'am like his eye, head, etc. Yes, Anupriya, now you tell beta. While driving a bicycle or a motorbike, one must wear a helmet because if they fall down from the bike or motorcycle, मैम हमें बहुत चोट लग जाएगी. अगर हम हेलमेट पहने रहेंगे तो हमारा, हमारे सिर का जो पार्ट है वो मैम सेफ रहेगा. चलिए वेरी गुड. विकास आप बताइए बेटा, हमें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए मोटरसाइकिल एंड बाइक चलाते समय? बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल चलाते समय हमें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए बेटा? Yes, because while driving bicycle or motorbike, one must wear a helmet because I have hurt brain. चलिए बेटा फिलहाल आपने अच्छी कोशिश की. निहारिका आप बताइए बेटा. यूज अ हेलमेट बिकॉज दे प्रोटेक्ट अ ब्रेन. यस तनिष्का आप बताइए. मैम व्हाइल ड्राइविंग अ बाइसाइकिल और अ मोटर बाइक one must wear a helmet because helmet when we injure on head, when we wear helmet it's protect our head. चलिए बेटा वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है. सौरभ आप बताइए. मैम व्हाइल ड्राइविंग अ बाइसिकल और अ मोटर बाइक वन मस्ट वेयर अ हेलमेट बिकॉज व्हेन वी आर wear helmet then time then I protect our skull and internal organ by when the injuries when I am in injuries. चलिए वेरी गुड. तो बेटा हम सभी क्या क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाइल ड्राइविंग अ बाइसिकल और अ मोटर बाइक वन मस्ट बी वेयर अ हेलमेट, व्हाई? तो बेटा हम सभी को हेलमेट एंड हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए बिकॉज ऑफ हेलमेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइनर इंजरीज.
जो अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हम कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाते हैं। अगर हमने हेलमेट पहना है तो अगर हम गिरते हैं, फिलहाल हम अगर मोटर बाइक से या बाइसिकल से गिर जाते हैं तो इस कंडीशन में हमें ज्यादा चोट नहीं लगती। एंड इफ यू वियर अ हेलमेट सो वी गेट नॉट अफेक्टेड वेरी बैडली फॉर अ माइनर एंड अ माइनर एंड अ मेजर एक्सीडेंट। अगर हमने हेलमेट पहना है तो चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो या फिर छोटा एक्सीडेंट हो, हमारे सर में ज्यादा चोट नहीं आती। एंड बेटा दूसरा एक और चीज क्या होती है, व्हेन वी फॉल फ्रॉम अ मोटर बाइक और अ बाइसिकल तो वी गेट हिटेड बाय वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसे, अगर हम जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से हमें चोट लगती है, अटैक होता है बहुत तेजी से। And if we wear a helmet, तो helmet protect us from major accident. क्योंकि उस situation में जो helmet है वो ज्यादा चोट अपने ऊपर ले लेता है, हमारे सर पे उतनी तेज चोट नहीं लग पाती। ओके बेटा, yes ma'am, yes ma'am, इसका आंसर आप सभी कर लेंगे। yes ma'am, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वो हमारी जो हमने फिलहाल फर्स्ट बिजी ब्रेन ब्रेन के बारे में जो हमारी एक्सरसाइज थी, इसका एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ही कर चुके थे एंड एक क्वेश्चन हमने आज किया है। अब नेक्स्ट है हमारा आज का जो दूसरा हमारी एक्सरसाइज है वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, Aaron was asked to describe the spinal cord. Read what he wrote and rewrite the sentence correctly. तो बेटा Aaron है कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है जिसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्क्राइब करने को कहा गया है। जैसे कि मैं आप में से किसी को बोल दूं कि आप लोग क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखेंगे, तो ऐसे बेटा Aaron को भी एक काम सौंपा गया है एंड फिर उसने क्या किया है, जो भी लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर्स हैं और वो एरर्स ही आपको फाइंड आउट करने हैं। बेटा एरर्स को कौन ज्यादा फाइंड आउट कर पाता है, जो भी ज्यादा फाइंड आउट कर लेगा दैट मींस कि वो आर्यन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। आर्यन भी फिफ्थ क्लास का बच्चा है एंड आप भी फिफ्थ क्लास में हो, आपको आर्यन की मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, आर्यन ने क्या लिखा है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थ्रेड ऑफ नर्व्स। तो बेटा ये लाइन इसने सही लिखी है। अमन आप बताइए। यस मैम, ठीक है। तनिष्का आप बताइए बेटा, करेक्ट है ये वाली लाइन? तो क्या मिस्टेक है इस लाइन में? तनिष्का बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर मेरे पास तक। यस तनिष्का दोबारा, यस अमन ने अब ध्यान दिया। यस मैम, यस अमन क्या रहोगे बेटा? मैम द स्पिनल कॉर्ड इज अ मैम बंडल ऑफ नर्व्स, मैम दैट कनेक्ट्स द ब्रेन। अभी अमन ने क्या किया था ना, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था, उन्हें ये लगा कि आर्यन भी तो हमारी क्लास का बच्चा है, वो भी सारा ठीक ठीक लिखेगा, है ना अमन? यस मैम। हाँ लेकिन आपको बेटा स्टार्टिंग में बोला गया है कि आर्यन ने कुछ गलतियां की हैं, आर्यन इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, कमजोर बच्चा है एंड आपको उसकी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो यहाँ पर क्या आएगा, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, थ्रेड नहीं है, धागा नहीं है, वो नसों का एक जंजाल है, बंडल है, ग्रुप है। चलिए अब आगे है, दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द हार्ट एंड किडनीज। निहारिका आप बताइए बेटा, क्या उसने ये वाली लाइन करेक्ट लिखी है आर्यन ने? नो मैम। बेटा यहाँ क्या आएगा फिर? हार्ट बॉडी आएगा। सौरभ आप बताइए बेटा क्या आएगा? मैम इट स्टार्ट फ्रॉम द
Yeah, it starts from the medulla oblongata or the brain stem and continuously down to the lower end of our backbone. मन वेट बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने हैंडल्स ऑप्शन यूज किया है. चलिए अस्मित आप बताइए बेटा क्या गलत लिखा है यहाँ पर. मैम अदर पार्ट ऑफ बॉडी. अलसबा आप बताएंगी. Yes, Alsaba. Beta Alsaba, I can't hear you properly. Beta, repeat your answer again. That connects the brain with other parts of the body. चलिए very good. तो बेटा ये हमारे brain से कहाँ तक connect होती है आप बताइए तनिष्का. मैम all parts of the body. तनिष्का की आवाज अभी भी नहीं आ रही है. अनुप्रिया आप बताइए. बेटा माइक ऑन करना है. अनुप्रिया माइक ऑफ है तो आपकी आवाज कैसे सुनाई देगी मुझे. यस अनुप्रिया. अदर पार्ट ऑफ बॉडी. यस अमन आप बताइए. बेटा आप बार बार हैंड शो कर रहे हो. मैम द ब्रेन विद द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बंडलों का नर्व ये नसों का एक बंडल है. नर्व बंडल ऑफ नर्व्स एंड दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे ब्रेन से बाकी सारे पार्ट तक कनेक्ट होता है. चलिए बाकी देखते हैं आर्यन ने क्या लिखा है. और इट स्टार्ट फ्रॉम द स्कल एंड कंटिन्यूस डाउन टू द लोअर एंड ऑफ अवर लेग्स. बेटा ये वाली लाइन सही लिखी है इसने. नो मैम. चलिए दिव्या आप बताइए बेटा क्या मिस्टेक है यहाँ पे. It started from the medulla oblongata or the brain stem and continue down the lower end of the back our backbone. चलिए विकास आप बताइए बेटा क्या हो. आर्यन ने सही लिखा है. It started from the brain stem and continues down to the lower end of our backbone. तो आर्यन ने पढ़ा नहीं है उसने बिना पढ़े आंसर लिख दिया है. ऐसा आप में से कोई ना करे ठीक है बेटा. आप में से किसी को भी आर्यन नहीं बनना है नहीं तो आपके बुक में आगे से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप आर्यन की मिस्टेक फाइंड आउट करिए. चलिए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा. अभी अभी हमने आर्यन की पूरी मिस्टेक चेक नहीं की है अभी इसी में पढ़ते हैं आगे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो बेटा उसने आगे सही लिखा है. Man, it is responsible for transmitting information to and from the brain to the rest of the body. Ma'am, correct hai. Ma'am, wrong hai. बेटा आपको आर्यन की मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए बोला है. आपस में आप लोग अपनी मिस्टेक मत फाइंड आउट करिए एक दूसरे की. अभी हम आर्यन की मिस्टेक पढ़ रहे हैं. ओके यस मैम. आपको आर्यन इतना पसंद आ गया है बताइए. आर्यन को छोड़ दिया आप लोगों ने. आपने खुद ही एक दूसरे के बारे में सुनना शुरू कर दिया. चलिए आकांक्षा आप बताइए बेटा क्या आर्यन ने सही लिखा है यहाँ पे. मैम नाम तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर.
Ma'am, it is responsible from transmitting information to and from the brain to the rest of body. Anupriya, आप बताइए. Ma'am, it is responsible for transmitting information to and from the brain to the rest of the body. चलिए, very good. तो एक बार बेटा यहाँ देख लेते हैं. यहाँ तक हमने देखा था ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा स्टार्ट होता है और ब्रेन स्टीम से और कंटिन्यूअस बैकबोन की तरफ डाउन होता चला जाता है. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, ना कि ब्लड. ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है हमारे ब्रेन से बाकी बॉडी के पार्ट्स तक. ओके बेटा. यस मैम. तो जो आर्यन है उसने अपनी मैम की बात को ध्यान से नहीं सुना था, उसने क्या बिना सुने ही आंसर दे दिया था मैम को. ठीक है, और आपको ऐसा नहीं करना है. यस मैम. आपको ध्यान से सुनना है मैम क्या पढ़ा रही है और फिर आंसर देना है. ओके बेटा. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. अब हम हमारे तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं. आपको यहाँ पर आर्यन ने लिखा है, आर्यन ने अपनी मैम की बात ध्यान से नहीं सुनी थी, उसने गलत लिख दिया है. आपको दोबारा अपनी मैम की बात सुन के यहाँ पर आपको राइट लिखना है. एंड जिस भी बच्चे ने गलत लिखा, दैट मीन्स कि उसने भी आर्यन की तरह अपनी मैम की बात को नहीं सुना. ठीक है बेटा. तो आज आप सभी को ये क्या करना है, मिस्टेक को इसकी फाइंड आउट करके दोबारा यहाँ पर रीराइट करना है. ओके बेटा. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स द स्केलेटन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली. डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो बेटा सबसे पहले आप ये बताएंगे आपको क्या लगता है, डू यू एग्री और नॉट? सचिन आप बताइए बेटा, आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सचिन. बेटा माइक ऑन करके फिर बोलना है. दिव्या आप बताइए, आर यू एग्री? Yes. Anupriya, are you agree with this statement? Yes, Anupriya. मैम आपकी आवाज तेज नहीं आ रही है. बेटा अनुप्रिया आपके यहाँ आवाज आ रही है शायद, इसलिए आप मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे हो. अस्मित, are you agree? अस्मित के पास आवाज नहीं जा रही प्रॉपर. अमन आप बताइए बेटा. यस मैम. एग्री हो आप भी? चलिए अब रीजन देना है आपको. आप एग्री हैं, क्यों एग्री हैं? इसका रीजन देना है आपको. यस अमन. मैम बिकॉज मैम जैसे मैम चीज को देखते हैं तो मैम जब तक मैम हमारा हैंड मैम अप नहीं होगा, मैम जब तक मैम हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे. तो मैम जब हम किसी चीज को देखते हैं तो मैम हमारे मसल्स मूव करती है और मैम मसल्स के साथ साथ बोन्स भी मूव करती है. तो मैम स्पाइनल कॉर्ड मैम स्केलेटल सिस्टम की हेल्प. चलिए वेरी गुड. तनिष्का आप बताएंगी. तनिष्का आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपर.
सही। सौरभ माइक ऑन करके बोलना है बेटा। मैम विल बी डूइंग एनी स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्म फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम द नर्व। सावित्री नाउ यू टेल। मैम यस। एग्री हो आप? क्यों एग्री हो? लेकिन मैम क्योंकि मैम जो स्पाइनल कॉर्ड है मैम अगर हम चलते हैं मैम कुछ करते हैं मैम तो स्पाइन जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा मैम सहायता करते हैं स्पाइन कॉर्ड। चिल्ली वेरी गुड। दिव्या आप बताइए बेटा। मैम वी वॉक एंड डांस इट इज हेल्पफुल टू अप डांस एक्सेट्रा। चलिए बेटा तो अब डिस्कस करते हैं। ये फिलहाल मैं भी एग्री हूँ इस बात से कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो स्केलेटल सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए कंपल्सरी है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वही है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। एक बार आप बेटा इसके बारे में देख लेते हैं हम चैप्टर में अपने। हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था ना मोटर नर्व्स में। Yes, ma'am. तो जो मोटर नर्व्स है ये क्या होती है? हमारी ब्रेन से हमारे ब्रेन को उससे कंट्रोल होती है, हमारी मसल्स को कंट्रोल करती है। एंड द ब्रेन सेंड सिग्नल्स फ्रॉम मोटर नर्व्स टू इंस्ट्रक्ट अवर मसल्स टू एक्सपेंड और कंट्रैक्ट सो दैट वी कैन दे मूव अकॉर्डिंगली। तो बेटा क्या होता है जो हमारी जो मोटर नर्व्स है जो हमारा हमारी मसल्स है वो हमारी स्केलेटन के साथ अटैच होती है। तो अगर हमारी जो नसें हैं वो हमारी मसल्स के साथ अटैच हैं दैट मीन्स कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो किस वजह से प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है? हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही। क्योंकि अगर हमारी स्केलेटन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारी मसल्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी एंड हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिलहाल ट्राई करना है, मैं सेंड करूंगी लेकिन आप सभी का आंसर आने के बाद, और उसके बाद आपको करेक्शन करना है कि आपने सही आंसर सेंड किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है बेटा? yes. तो आप सभी को ट्राई करना है, मुझे सभी का होमवर्क आना चाहिए मेरे पास तक। yes, चांदमिका बेटा आप इतनी लेट से कनेक्ट हुए हो आज। मैं बहुत देर से मैम कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। मैम जैसे कनेक्ट होता है मैम वैसे ही। जिस बेटा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले मिक्स नर्व्स पे, फिर मोटर नर्व्स पे, एंड आफ्टर दैट और कोई भी नहीं दिया हुआ आपको, मिक्स नर्व्स एंड मोटर नर्व्स के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम मिक्स नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मोटर नर्व्स के बारे में। मोटर नर्व। यस बेटा कौन कौन पूछ रहा था? बेटा सबसे पहले आपको बताना है मिक्स नर्व्स के बारे में। यस तनिष्ठा आप बताइए बेटा। तनिष्का आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा, आप में से किसको सुनाई दे रहा है? मैम अनुप्रिया को आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली। अनुप्रिया के यहाँ यानी प्रॉब्लम है बेटा। आप सभी को आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो अनुप्रिया बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं जा रही है। चलिए सौरभ आप बताइए मिक्स नर्व्स के बारे में।
मैम दीज नर्व कंप्राइज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व विच कैरी मैसेज टू एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चलिए वेरी गुड. और कौन बताएगा? मैम सावित्री आप बताइए. मैम दीज नर्व कंट्रोलाइज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व विच कैन यस. अनुप्रिया आप बताइए बेटा, आपने हैंड रेज ऑप्शन यूज किया है. मैम नर्व कंप्रोमाइज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व विच कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. चलिए वेरी गुड. यस निहारिका नाउ यू टेल. मिक्स नर्व दीज नर्व कंप्राइज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व राइट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. चलिए वेरी गुड. तो बेटा एक बार हम देख लेते हैं मिक्स नर्व्स के बारे में. हमने तीन टाइप्स की नसें डिस्कस की थी, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स. तो हमें मिक्स नर्व्स के बारे में बताना है. दीज नर्व्स कंप्राइजेस बोथ मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स विच कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो बेटा यहाँ पर सेंसरी नर्व्स और हमारी मोटर नर्व्स दोनों ही अटैच होती है आपस में. एंड इनका काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन से मैसेज लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं. ओके बेटा. यस मैम. समझ आ गया सभी को? यस मैम. मिक्स नर्व्स के बारे में बताना है. यहाँ पर बोथ नर्व्स कंप्राइज होती है, एक साथ जुड़ती हैं एंड ये हमारे ब्रेन से हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाती है. ओके बेटा. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना. हमसे नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पूछा है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स के बारे में बताना है. यस कौन बताएगा? अनुप्रिया वेट. यस कौन बताएगा? सब हैंड रेज ऑप्शन यूज कर रहे हैं, दैट मींस कि सभी को आता है आंसर. आकांक्षा आप बताइए. फोर पार्टिसिपेंट हो गए. सावित्री ने भी हैंड रेज ऑप्शन यूज किया. Then these nerves help the brain to control our muscles. The brain send signal through the motor nerves to our muscles to standard or contract. चलिए वेरी गुड. यस अनुप्रिया आप बताइए. मैम मोटर नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू कंट्रोल आवर मसल्स. द ब्रेन सेंड सिग्नल थ्रू द मोटर नर्व्स टू इंस्ट्रक्ट आवर मसल्स टू एक्सपेंड आवर कॉन्ट्रैक्ट. यस वेरी गुड बेटा. चलिए सावित्री आप बताएंगी. सावित्री की आवाज ही नहीं आ रही है पूरी. यस मैम. अमन आप बताइए. यस मैम. मैम दीज नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू कंट्रोल आवर मसल्स. द ब्रेन सेंड सिग्नल थ्रू द मोटर नर्व्स टू इंस्ट्रक्ट आवर मसल्स टू एक्सपेंड आवर कॉन्ट्रैक्ट. चलिए बेटा वेरी गुड. यस तनिष्का नाउ यू टेल.
निहारिका आप बताइए बेटा मोटर नर्व्स के बारे में. The nerves help the brain of control our muscles in the brain and signals for the motor nerves to control our muscles send or control. चलिए बेटा वेरी गुड. एक बार हम देख लेते हैं फिर से. यस अलसो आप बताइए. बेटा माइक ऑन करके बोलना है अलसो. मोटर नर्व्स हैज द ब्रेन टू कंट्रोल आवर मसल द ब्रेन सेंड सिग्नल टू द मोटर नर्व to instruct our muscles to extend or contract so that we can move them accordingly. Chaliye beta very good. Ek baar aap dekh lete hain beta iska answer. Yes ma'am. Animated. Yes beta. Bataiye aap bhi. Ma'am, these nerves help the brain to control our muscles. The brain sends signals through the motor nerves to instruct our muscles to extend or contract. चलिए वेरी गुड बेटा. चलिए आप देखेंगे सभी ध्यान से. मोटर नर्व्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम. दीज नर्व्स हेल्प द ब्रेन टू कंट्रोल अवर मसल्स. ये जो हमारी नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन्स को कंट्रोल करती हैं मसल्स की एक्टिविटीज करने के लिए, सारी एक्टिविटीज करने के लिए. और यहाँ पर और क्या होता है, द ब्रेन सेंड सिग्नल्स थ्रू द मोटर नर्व्स. जो हमारा ब्रेन है वो मोटर नर्व्स के थ्रू ही मैसेज पहुंचाता है, सिग्नल पहुंचाता है. एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मसल्स हैं वो काम करना शुरू करती है, वो कॉन्टेक्ट करती है एंड एक्सपेंड करती है. एंड जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं, अपनी मोटर नर्व्स के थ्रू. ओके बेटा मोटर नर्व्स की वजह से. तो बेटा ये आज आप सभी का, ये आज का इतना होमवर्क है, आप सभी कर लेंगे ना. किसी को कोई डाउट तो नहीं है मैम? जितना आज की क्लास में हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है वो आज का आपका होमवर्क है. ओके यस मैम. यस मैम. एंड आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटा आप सभी कर लेंगे? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अमन बेटा आपने नो मैम किसके लिए लिखा था? मैम अभी आपने नो मैम आप पूछ रही थी मैम. ओके मैम वो मैम आप बोली थी मैम. मैम कोई डाउट नहीं है तो मैम आई सेड दैट नो मैम. ओके ओके अमन. तो बेटा आप सभी कर लेंगे एंड आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है. आज बेटा आपकी कोई क्लास नहीं है? नहीं मैम. तो आज अभी ये सेशन एंड करने के बाद, सेशन एंड होने के बाद आप सभी को अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देना है. एंड 4 o'clock तक, 4 बजे तक आप सभी लोग अपना होमवर्क सबमिट कर देंगे. ओके बेटा. यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. And बेटा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना जो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी वो डिस्कस करेंगे. ओके ऑर्गन सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स को लेके नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो सेंस ऑर्गन्स को लेके है. अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा इसमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके एंड बेटा ये वाला क्वेश्चन जब भी आप करें आर्यन वाला तो ध्यान देना है. आप में से किसी को भी आर्यन नहीं बनना है, आप सभी को ध्यान से लिखना है. ओके यस मैम. आप सभी को स्पाइनल कोड के बारे में लिखना है, ध्यान से लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा. ठीक है बेटा. यस मैम. Thank you, ma'am.
नेक्स्ट क्लास में अब अपनी बाकी नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी, आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ आ गया होगा बेटा। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। समझ आ गया ना सभी को? एंड आपका होमवर्क आज ही सबमिट हो जाना चाहिए, आप लोग आज ही सबमिट करेंगे, कल का कोई वेट नहीं करेगा। ओके यस मैम। यस अस्मित, आपको बेटा नोटबुक में लिख के सबमिट करना है, बुक नहीं है ना आपके पास? नो बेटा, मैं भी आपको आप जो होमवर्क सेंड करूंगी उसी पेज पे आपको क्वेश्चन पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख के सबमिट करना है। ओके मैम, केवल इंडिया का बुक भी नहीं मिला और सारा मिला। चलिए बेटा, तो आप वो भी बुक ले लीजिए। अभी आपको इस ऐसे ही वर्क करना है, बाद में आप अपनी बुक फिल कर लेंगे। ओके मैम। बेटा चलिए, टाइम होने वाला है तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय मैम।